व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। और आज इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईयरफोन्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मार्केट में बहुत टाइप के ईयरफोन्स आते हैं। हमारी ईयरफोन्स की मार्केट में काफी तगड़ी एवोल्यूशन हो रखी है इस टाइम पर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कहाँ हमारे ईयरफोन्स एक टाइम पे वायर्ड यूज हुआ करते थे, और वायर्ड से फिर हमारे ईयरफोन्स आए नेक बैंड वाले, जो कि हम ऐसे अपने कॉलर के में पहन लेते थे, और कहां अब हमारे पास ईयरफोन्स है जो कि ट्रूली वायरलेस आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। बात करेंगे इन तीनों के प्रोस और कॉन्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वीडियो पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल शो यू। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा इन वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में, जो कि है हमारे ये नेक बैंड वाले। और इनमें इनके साथ मैं कंपैरिजन करूंगा हमारे वायर्ड ईयरफोन्स का। वायर्ड ईयरफोन्स की बात करूं तो गाइस, ये आपको काफी सस्ते देखने को मिल जाते हैं। अब तो आपको ये इवन 100 से 200 तक के स्टार्टिंग प्राइस में मिल जाते हैं अच्छी कंपनी के। और इनके क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो गाइस, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको बैटरी का झंझट नहीं देखने को मिलता। आप डायरेक्टली अपने फोन से इसको प्लग एंड कनेक्ट करके अपने ऑडियो को लिसन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और गाइस, इनमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि कॉल के टाइम पर आपको काफी ज्यादा बढ़िया साउंड क्वालिटी इनमें देखने को मिलती है। जैसे कि आपको यूजुअली वायरलेस ईयरफोन्स के साथ साउंड क्वालिटी डिस्टॉर्ट होती हुई दिखेगी, अगर आप थोड़ा रेंज आपकी जो है फोन और आपके ईयरफोन्स की वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ इन ईयरफोन्स की, तो इन ईयरफोन्स के अंदर जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपको कंपैरेटिवली वायरलेस ईयरफोन से बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। ऑल्दो ये भी आपके कानों को डैमेज करते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो आपकी बॉडी में रेडिएशन को काफ़ी हद तक ये रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो फोन का डिस्टेंस है वो वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है, और वायर के थ्रू कनेक्टेड होने की वजह से इनके अंदर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारी रेडिएशन है वो वायर तक रह जाती है और वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में, और साउंड क्वालिटी आपको पता होगा कि हमारे जो ईयरफोन्स हैं इनके अंदर सबसे बेस्ट देखने को मिलती है, क्योंकि ये फोन से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, और विद दी हेल्प ऑफ अ वायर इनके अंदर जो मैकेनिज्म लगा हुआ है वो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ पाता है और काम भी बहुत तगड़े लेवल का करता है। और बात करते हैं अब हम इसकी, जो कि है नेक बैंड ईयरफोन्स। ये हम अपने नेक पे बैंड पे पहन लेते हैं, ऐसा कॉलर ब्रेसलेट की तरह, आई कार्ड की तरह आप इसे पहन सकते हैं। ये एक दूसरे से मैग्नेट के थ्रू स्टिक हो जाते हैं, और जब हमें यूज करना होता है हम डायरेक्टली इनको कनेक्ट कर लेते हैं अपने फोन से और कान पे लगाते हैं कि हम वी आर गुड टू गो। और बात करते हैं इनकी, तो इनमें जो साउंड क्वालिटी है इनसे थोड़ी सी कम में देखने को मिलती है, लेकिन इनकी साउंड क्वालिटी ट्रूली वायरलेस ईयरफोन से लॉट बेटर देखने को मिलती है। डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। बैटरी लाइफ इनमें आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 7 to 8 hours का बैटरी लाइफ आपको आराम से देखने को मिलेगा। और इनका जो एडवांटेज है वो ये है कि आप इनको आराम से कैरी कर सकते हो, आप अपने वर्कआउट्स के टाइम इनको आराम से यूज कर सकते हो, आपको टैंगलिंग का इशू नहीं होगा। आप देख सकते हो कि मेरे पास जो वाइड ईयरफोन्स है ये अभी से इतने टैंगल हो गए हैं, और इन्हें अनटैंगल करने में तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो इट क्रिएट्स अ मेस यू नो। एंड अगर हम बात करते हैं ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स की, तो दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ये ईयरफोन्स बिल्कुल ही वायरलेस होते हैं, तो इनमें जो मैकेनिज्म है सारा वो ईयरफोन्स के अंदर होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल केस, ये चार्ज होते रहते हैं ऑल द टाइम। इनके अंदर ऐसा चार्जिंग का कोई सीन नहीं होता, इनको आपको एक ही टाइम चार्ज करना पड़ेगा, तो ये 7 to 8 hours आपको बैटरी लाइफ देंगे। कॉल के टाइम पर सबसे बेस्ट यही परफॉर्म करते हैं वायर्ड ईयरफोन्स, फिर उसके बाद ये वाले एंड देन ये। और साउंड क्वालिटी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे ये आते हैं, फिर इनके बाद कॉलर माइक वाले, और फिर इनके बाद आते हैं हमारे ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स। उसका बहुत बेसिक सा रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो यही है कि ये बिल्कुल वायरलेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो सारा मैकेनिज्म है वो इनके अंदर फिट हो जाता है, और विदाउट दी हेल्प ऑफ वायर तो इट हैज टू डू एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू प्रोड्यूस अ बेटर क्वालिटी साउंड। ऑल्दो आज के टाइम में अगर हम ऑडियो फाइल्स नहीं है और हम बात करते हैं हमारे ऑल द ईयरफोन्स की, तो आपको डे टू डे लाइफ में जरा सा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो आप बेफिक्र होकर किनी के साथ भी जा सकते हैं। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो गाइस, आई विल ऑलवेज प्रेफर दीज कॉलर माइक ईयरफोन्स, बिकॉज आजकल फोन में हेडफोन जैक फटता जा रहा है, और जैसा कि आपको पता है हमें ये ऑडियो कनेक्टर लगाना पड़ता है अपने फोन के साथ आईफोन में, तो वो एक मैस क्रिएट करता है और मैं कॉल पे बात नहीं कर सकता, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं इनके साथ जाऊं। एंड अगर मैं जिम या वर्कआउट कर रहा हूं तो मैं इनके साथ जाना प्रेफर करूंगा। और अगर आपके फोन में हेडफोन जैक है तो आप इन्हीं दो में से, इन्हीं तीन में से इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेफर कर सकते हैं। कॉल के टाइम पे इनसे बात करेंगे, यू आर ऑलवेज गुड टू गो।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं मिलता हूँ गाइस ऐसी किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट गाइस।